सो गाइस, व्हाइट कढ़ाई में जो गार्निश होगी उसकी कटिंग हो चुकी है। इसमें ग्रीन चिली है, धनिया है और अदरक है। ये तीन चीज़ों से हम गार्निश करेंगे। हम प्याज, अदरक और लहसुन को बॉईल करेंगे। पानी गर्म हो चुका है। सो गाइस, प्याज, अदरक और लहसुन, ये तीनों चीज़ें बॉइल्ड हो चुकी हैं। अब हम करेंगे चूल्हा बंद। सबसे पहले ऑयल डालेंगे 4 kg। लहसुन और प्याज जो हमने बॉइल किया था, इसको हम कर लेंगे ग्राइंड। ऑयल गर्म हो चुका है और सबसे पहले हम डालेंगे चिकन। चिकन डालिए। सो गाइस, जो हमने अनियन बॉइल किया था उसको हमने ग्राइंड कर लिया है और अब हम डालेंगे उसको चिकन के साथ ही। चिकन जो है वो भुन चुका है, अब हम इसमें डालेंगे दही। शेफ कह रहे हैं दही आज बहुत पतली थी, जिसकी वजह से ग्रेवी जो है बहुत पतली बनेगी। डाल रहे हैं व्हाइट पेपर 1 बड़ा चम्मच, ब्लैक पेपर 2 बड़े चमचे, नमक डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच। ठीक है, अब हम करेंगे इन सब मसालों को मिक्स। गाइस, अब हम डालेंगे धनिया, अदरक और हरी मिर्च। सो गाइस, सबसे एंड पे हम डालेंगे क्रीम। डालिए। अब हम इसको अच्छी तरह पकाएंगे। सो गाइस, व्हाइट कढ़ाई में थोड़ा सा हम स्मोकी फ्लेवर ऐड करेंगे और स्मोकी फ्लेवर ऐड करने के लिए हमने कोयला को जो है जलाया है। सो गाइस, कोयला जो है वो रेड हो चुका है, अंगारा बन चुका है। अब हम इसको उठा लेंगे टोंग से और रखेंगे इसको प्लेट के अंदर ऐसे। ठीक है, इसको हम रखेंगे सालन के ऊपर। ये देख लें आप, पतीले के अंदर सालन के ऊपर हमने इसको रख दिया है। इसके ऊपर हम डालेंगे ऑयल ताकि स्मोक निकल सके, धुआं, और ढक्कन फौरन बंद करना है। ये देखिए आप, जी ऑयल हमने डाला और ये इसका स्मोक निकलने लग गया है और हम इसको फौरन, ये देखें साइडों पे जो है इसका धुआं निकल रहा है, स्मोक जो है वो निकल रहा है। और हमने अब इसको दम पे लगा दिया सालन को, और ये जो है तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको छोड़ देंगे।